हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिविटी विद सुषमा। आज हम बनाएंगे अमृतसरी छोले, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। छोले सबको बहुत पसंद आते हैं, भटूरों के साथ ये सर्व करते हैं और बहुत मज़ा आती है इनको खाने में। तो छोले बनाने के लिए सबसे पहले हम छोले उबालते हैं, तो उसके लिए हम एक मसाले की पोटली तैयार कर लेते हैं, जो हम छोलों के साथ ही डाल के उसको उबाल लेंगे, जिससे कि सारा फ्लेवर मसालों का छोलों में आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी चाय पत्ती मैं इसमें पहले डाल रही हूँ। ये सूखी हुई जो आंवला होता है वो हम इसमें ले ले रहे हैं, हमें पाउडर आंवला नहीं लेना है। ये सूप मैंने कुछ सुखा के रखे हुए हैं। ये एक दालचीनी का टुकड़ा, ये एक ब्लैक वाली जो इलायची बड़ी वाली आती है वो है, कुछ दाने ये काली मिर्च के हैं, 10-12 दाने होंगे, और 5-6 लौंग। तो इनकी एक पोटली तैयार कर लेते हैं। ऐसा मलमल का कपड़ा कोई लेके आप ऐसी पोटली तैयार कर लीजिए और एक नॉट लगा दीजिए। अगर आपके पास इस तरह का कोई स्ट्रेनर हो तो आप इसमें भी ये मसाले डालकर इसमें डाल के बॉयल कर सकते हैं चनों को। तो ये पोटली रेडी हो गई है। जो मैंने इसमें मसाले यूज़ किए हैं वो आप अपनी छोले की क्वांटिटी के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम छोलों को उबालते हैं। ये छोले हैं, ये 1 कप मैंने ये चना लिया था, और इसमें आप ये देख सकते हैं ये मटर के भी दाने हैं सूखे वाले, तो ये 1/4 कप है। तो ओवरऑल जो है 1 कप और 1/4 कप, 1.25 कप के लगभग ये पूरी क्वांटिटी है। चनों के साथ हम अगर मटर डालते हैं सूखी वाली तो छोले बहुत अच्छे बनते हैं, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हैं, नहीं है तो। अब हम इसमें ये पोटली भी डाल देंगे। अब नमक डालेंगे इसमें थोड़ा सा, जिससे कि अच्छे से स्वाद अंदर नमक का पहले से आ जाए थोड़ा बहुत और पक भी जाए। और ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा मैं इसमें डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून होगा, क्योंकि हम इसमें आंवला भी यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा खट्टा है, तो उसका जब इसमें रस उतरेगा भीगने के बाद तो कुकिंग थोड़ा सा उसकी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो हम सोडा डाल रहे हैं जिससे कि अच्छे से चने गल जाएं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये पानी मैं इसमें 1 कप 2 कप और ये 3 फुल कप पानी मैं इसमें अभी डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालेंगे, इतना पानी डाल रहे हैं कि हम इनको बाद में यूज़ भी कर लें, हमें फेंकना ना पड़े। अब मैं इसमें ढक्कन लगा के इसको रख देती हूँ। ये ढक्कन मैं इसको बंद कर देती हूँ और गैस ऑन कर देती हूँ। पहले हम हाई फ्लेम रखेंगे, फिर हम फ्लेम लो कर देंगे। छोलों को पकते हुए 20-25 मिनट हो चुका है। इसको मैंने एकदम स्लो फ्लेम पर ही पकाया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा प्रेशर रह गया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये छोले एकदम बढ़िया से पक गए हैं, ये गल भी गए हैं अच्छे से, और इनमें आप कलर देख सकते हैं, ये कलर भी अच्छा आ गया है। तो अब हम इससे पोटली हटा देंगे, हमारी ये चूर्णित मसाले की पोटली डाली थी वो अलग कर लेंगे और इनको भी एक साइड रख देंगे। अब हम छोले बनाना शुरू करते हैं। तो छोले बनाने से पहले हम कुछ मसाले देख लेते हैं जो जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें प्याज चाहिए, ये मैंने कटे हुए प्याज लिए हैं, ये 1 कप के लगभग है। आप चाहें तो इसको पीस कर भी ले सकते हैं, पर कटे हुए एकदम बारीक हैं। इसको मैंने जो वेजिटेबल चॉपर आता है उसमें मैंने ये कट कर लिए हैं। ये टमाटर का पेस्ट है, ये भी मैंने 1 कप जो है लिया है, इसको मैंने पीस लिया है, 4 टमाटर थे। और ये मैंने अदरक घिस कर ली है, ये लहसुन घिस के लिया है, ये 2 खड़ी मिर्चें और 1 तेज़पत्ता। बाकी तो खड़े मसाले हम पहले से ही छोलों में पका चुके हैं, उनका फ्लेवर आ चुका है उसमें।
और ये हम देख लेते हैं कुछ मसाले जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये अजवाइन है 1/4 टी स्पून, ज़ीरा है 1/2 टी स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, ये मैंने कश्मीरी मिर्च ली है ये भी 1/2 टी स्पून है, क्योंकि मिर्च इसमें मसाले में भी जाएगी थोड़ा सा तो ज़्यादा तीखी हो जाएगी। ये ज़ीरा पाउडर है ये भी 1/2 टी स्पून है। ये चना मसाला या फिर आप छोले का मसाला कह सकते हैं, ये 1/2 टेबल स्पून है। ये कसूरी मेथी ये 1/2 टी स्पून, अमचूर पाउडर 1/2 टी स्पून, ये धनिया पाउडर ये 1 टेबल स्पून है, और ये नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, 1 पिंच हींग, 1 कटी हुई हरी मिर्च, हरी मिर्च आपको नहीं पसंद है तो आप हटा सकते हैं, और ये थोड़ा सा गुड़। तो ये मसाले हम यूज़ करेंगे, और हमें पकाने के लिए ऑयल चाहिए होगा जो 4-5 टेबल स्पून हम यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले तो गैस ऑन कर लेते हैं, और उस पर एक कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। अब इस कढ़ाई में मैं ऑयल डाल रही हूँ, ये 4-5 टेबल स्पून के लगभग है। कम ऑयल यूज़ करना और चाहते तो और कम यूज़ करिए, लेकिन आज मैं थोड़ा छोले एकदम स्पाइसी बनेंगे, ऑयली थोड़ा सा तो होते ही हैं, तो उस स्टाइल में बनाऊंगी, तो ये थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही है, क्योंकि जब आप अमृतसरी छोले बनाते हो तो थोड़ा सा उसमें तेल जाता है। तो तेल को गर्म हो जाने देते हैं पहले। अभी तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें शुरू करते हैं मसाले डालना। तो सबसे पहले हम इसमें अजवाइन डालेंगे, जीरा भी डालेंगे थोड़ा, और ये तेज़पत्ता, और ये 2 लाल मिर्चें डालेंगे, थोड़ा चला लेंगे, और फटाफट से इसमें हम ये लहसुन है वो डाल देंगे, अदरक भी डाल देंगे, और साथ में हम प्याज भी डाल दे रहे हैं। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भूनना है, फुल्ली हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन हो जाए तब तक हम इसे भून लेते हैं अच्छे से। अभी आप देख सकते हैं कि ये प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग में बाद में डाल रही हूँ, क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगना है। ये मैंने एक साइड ऐसे ही हींग डाल दिया है, बस हो गया। अब इसे मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, ये एक हरी मिर्च मैंने काट ली थी, ये भी हम इसमें मिला देंगे। अब हम शुरू करते हैं मसाले डालना। तो ये 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा। आप ध्यान रखिए जब आप मसाले डालें तो फ्लेम हमेशा स्लो ही रखें। ये छोला मसाला, ये कसूरी मेथी 1/2 टी स्पून, ये अमचूर पाउडर, ये धनिया पाउडर, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे पहले। तो ये मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुड़, ये मैंने गुड़ लिया है, इसमें मैं थोड़ा ही डालूंगी। गुड़ से स्वाद बहुत अच्छा आता है, ये मेरा एक सीक्रेट टिप है छोलों के लिए। आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप मत डालिए। अब हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिए छोले में भी नमक पहले हमने डाला है उबालते समय, तो इसमें नमक की हिसाब से आप डालिएगा। अब हम इसमें टमाटर का जो हमने पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे, और फटाफट से ऐसे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए मसाले पहले भुन जाएं, उसके बाद ही
आपको ये पेस्ट डालना है। थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देते हैं, ये इसी टमाटर वाले ही उसका मैं पानी इसमें ऐसे डाल ले रही हूँ। अब हम इसको भूनेंगे खूब बढ़िया से, क्योंकि जो स्वाद आएगा ना वो इसको हम जब अच्छे से पकाएंगे भूनेंगे तो ही, अदरवाइज इसमें कोई मतलब मज़ा नहीं आएगी। अगर थोड़े से भी कम भुने हैं मसाले तो स्वाद कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो हम इसको अच्छे से भूनेंगे, कम से कम 15-20 मिनट हम इसको भूनेंगे। अगर उसके बाद चेक करेंगे, ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा और भून लेंगे। अभी इन मसालों को भूनते हुए 15 मिनट हो गया है और आप ये देख सकते हो बहुत अच्छे से भून गए हैं, एकदम कढ़ाई छोड़ दी है और थिकनेस पूरी आ गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी जो छोले रखे थे हमने उबाल के, ये हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। मैं ऐसे ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। अगर पानी ज़्यादा है तो आप वो पानी अलग से रख लीजिए, फिर अभी जब इनको हम भून लेंगे उसके बाद आप डाल सकते हैं। इसमें पानी बिल्कुल नहीं था, एकदम मेजरमेंट अच्छा था, तो ये अच्छे से गल गए हैं और पानी भी नहीं बचा। अब हम इनको अच्छे से मिला लेंगे, फिर इनको 2-3 मिनट अच्छे से भून लेंगे जिससे मसाले एक दूसरे में एकसार हो जाएं। अभी आप ये देख रहे हैं कि मसाले मिल गए हैं और ये छोले भी चलाते हुए थोड़ा मैशी हो गए हैं, तो ये छोले थोड़ा मैशी होंगे तो ग्रेवी थोड़ी जो बनेगी वो थिक भी बनेगी, अच्छा रहेगा। अब हम मिलाएंगे इसमें पानी। ये पहले मैंने 1 कप मिला के इसको मिक्स कर लेती हूँ जिससे हमें पता चले कि कितना हमें पानी चाहिए इसमें। तो ये 1 कप मिला दिया है मैंने और ये 2 कप। अभी क्योंकि ये छोले पकेंगे भी धीमी आंच पर हम इनको पकाएंगे थोड़ी देर, तो पानी काफ़ी सोख लेगा। अगर आपको थोड़ा पतला चाहिए तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा इसमें और ऐड करे दे रही हूँ पानी, आधा कप और मैंने इसमें पानी मिला दिया है, तो टोटल 2.5 कप मैंने पानी इसमें डाला है। और ये अब हम इनको ढक कर थोड़ी देर पका लेते हैं। अभी इसको पकते हुए 5 मिनट हो गया है, ये देखिए एकदम बढ़िया गाढ़ा हो गया है। जैसा कि मैंने बताया कि आप पतला चाहिए या गाढ़ा चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कैसा छोला खाना है, लेकिन मेरे लिए ये परफेक्ट है। ये खट्टा मीठा बढ़िया टेस्ट इसमें आएगा क्योंकि गुड़ पड़ा है। अगर आपको अमचूर नहीं डालना है तो आप उसकी जगह इसमें इमली का पेस्ट भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं। तो ये अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये अपनी सर्विंग डिश में थोड़े से छोले डालती हूँ। अब हम इसको थोड़ा गार्निश करेंगे तो ये देखने में और अच्छा लगेगा, तो खाने का मन भी ज़्यादा करेगा। अब हम इसको थोड़ा गार्निश कर लेते हैं। तो गार्निशिंग के लिए एकदम ये बारीक से कटे हुए प्याज हैं, ये मैं धनिया डाल रही हूँ थोड़ा सा, और ये अदरक के कुछ टुकड़े। तो आप देख सकते हो ये अमृतसरी छोले एकदम रेडी हैं। आप इसको गर्मा गर्म भटूरों के साथ सर्व कीजिए और मज़ा लीजिए। तो अगर आज आपको ये अमृतसरी छोलों की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ रेसिपी को शेयर करना भी ना भूलें। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप नए नए वीडियोस देख पाएँ, और बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए जिससे कि नई नई नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियोस की मिलती रहे। थैंक यू।